हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी किचन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पोहा बनाने जा रहे हैं, आज हम आलू पोहा बनाने जा रहे हैं। तो ये रेसिपी गुजराती ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनती है और अगर हम हमारे घर में नाश्ते में इसे बनाते हैं तो बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आज हम आलू पोहा, जिसे गुजराती में बटाटा पोहा कहते हैं, तो आज हम उसे बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने अंदाजे से पोहे लिए हैं, आप जितने भी बनाना चाहो आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक बड़ा आलू काट कर लिया है, इतने इतने पीसों में मैंने इसे कट किया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम राई, जीरा, हरी मिर्च कटी हुई, एक से दो हरी मिर्च ली है मैंने, और थोड़ी सी हल्दी हम इसमें डालेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया लिया है, थोड़े से करी पत्ते लिए हैं, और मैंने कुछ मूंगफली के दाने भी इसमें डालने के लिए ले लिए हैं, और नमक हम लेंगे हमारे टेस्ट के अनुसार। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है और उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है, और मैंने पोहा भी धूप कर लिया है अच्छे से। अब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी राई, राई को थोड़ा सा तड़कने देते हैं। अब डालते हैं जीरा, करी पत्ते, जीरे को थोड़ा सा सुनहरा होने देते हैं। इसके बाद डालते हैं करी पत्ते, अब डालते हैं हरी मिर्च, जो हमने कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे। अब हमने आलू जो धो कर लिए थे इसे भी हम इसमें डाल देंगे। आलू को हमें 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा चलाते हुए उसे पका लेना है इसी में। फ्रेंड्स, आलू अच्छी तरह से पक गए हैं हमारे। अब हम इसमें डालते हैं प्याज, प्याज को थोड़ा सा सुनहरा भून लेंगे हम। प्याज को हमें इसी में भूनना है अच्छे से। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें हल्दी डालते हैं, मैंने आधे से 1 चम्मच जितनी हल्दी डाली है, और हमें इस हल्दी को इस तरह से पूरे मसालों में मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा ये धुला हुआ पोहा जो मैंने धोकर रखा था, हम इसे इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और अब हम हमारे टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देंगे। हमने पहले भी फ्रेंड्स थोड़ा सा नमक आलूओं के साथ ऐड किया हुआ है, तो अभी मैं कम करूँगी। अभी हम इसे अच्छे से हिला लेते हैं, हमें सभी मसालों को ऊपर से नीचे तक इसमें मिक्स करना है अच्छे से। फ्रेंड्स, अब हमने पोहे को अच्छे तरह से हिला लिया है, अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर कवर करेंगे। अब फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन को हटा लेंगे और फिर से एक बार इसे थोड़ा सा चला लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बने हैं और अब ये अच्छी तरह से पक भी गए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर लेंगे, तो हरा धनिया हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके फिर इसे वापस एक बार चला लेंगे, ताकि धनिया का जो भी फ्लेवर है वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पोहे बिल्कुल बनकर रेडी है। इस तरह से हम आलू पोहा की रेसिपी बनाएंगे तो हमारे बच्चों को बहुत पसंद आएगी और हम भी खुद इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आप इसे नींबू के साथ और थोड़ा सा सूखे हुए नारियल के साथ इसे परोस सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बन सकती है। आप अगर इसे
और भी अपने हाथों की टेस्ट इसमें मिला देंगे तो और भी टेस्टी बन जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।